और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भारत के संविधान की। तो भारत के संविधान की संरचना किस प्रकार की है, विश्व के सबसे विस्तृत लिखित इस संविधान की क्या विशेषताएं हैं, इन्हें आसान तरीके से समझने के लिए प्रदेश के राजभवन परिसर में संविधान पार्क बनकर तैयार है। संविधान पार्क व राजभवन में किए गए सौंदर्यन कार्यों का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 जनवरी सुबह 11:20 पर लोकार्पण करेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से 9,66,00,000 रुपए की लागत से राजभवन में संविधान पार्क तैयार किया गया। इसके साथ ही राजभवन परिसर में सौंदर्यन कार्य भी कराए गए। राज्यपाल कलराज मिश्र की अभिनव पहल पर राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां आमजन में संवैधानिक जागरूकता लाने के लिए राजभवन में संविधान पार्क स्थापित किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने पिछले साल 26 जनवरी को इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन देश के मशहूर आर्किटेक्ट अनूप वरतिया ने तैयार किया है। संविधान पार्क और सौंदर्यन कार्यों का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 जनवरी को लोकार्पण करेंगे। इस लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और बड़ी संख्या में गणमान्य लोग हिस्सा लेंगे। संविधान पार्क तैयार करने के पीछे का उद्देश्य आमजन और खासकर विद्यार्थियों को भारतीय संविधान के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी देना है। संविधान पार्क किस तरह से यहां आने वाले आगंतुकों के लिए खास होगा, इस पर एक नजर डालें तो इसमें संविधान के खिताब, संविधान सभा, संविधान के प्रारूप समिति, संविधान की प्रस्तावना की जानकारी दी गई है। संविधान के तहत नागरिकों के मूल कर्तव्य और अधिकार, संविधान निर्माण में महिलाओं का योगदान की बात कही गई है। संविधान सभा की मुख्य समितियां, संविधान सभा का मॉडल, राष्ट्र और राज्यों के संबंध में भी बताया गया है। संविधान की सील, संविधान सभा, 1950 का छाया चित्र, संविधान के गठन में संशोधन हुए हैं, संविधान की सील आदि ऐतिहासिक तथ्यों और जानकारी को कई खंडों में विभाजित किया गया है। इन्हें विभिन्न पत्थर और गन मेटल की प्रतिमाओं और शिलालेखों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। संविधान पार्क में ऑडियो वीडियो गाइड का भी प्रावधान किया गया। आगंतुक हेडफोन और अन्य स्क्रीन्स की मदद से संविधान संरचना के बारे में देख और सुन सकेंगे। यही नहीं, दिसंबर 1946 में हुई संविधान सभा में महान नेताओं की तरफ से दिए भाषण सुन और देखे जा सकते हैं। संविधान पार्क के अलावा राजभवन परिसर में संविधान पार्क से ही जुड़े विभिन्न प्रकार के सौंदर्यन कार्य किए गए। इन कार्यों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तंभ और महापुरुषों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट की गई है। राजभवन परिसर में 30 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज का स्तंभ स्थापित किया गया। राजभवन में गौरव और राजस्थानी आन बान और शान के प्रतीक महाराणा प्रताप की उनके प्रिय घोड़े चीतक के साथ विश्राम की मुद्रा में प्रतिमा स्थापित की गई। ये प्रतिमा सफेद संगमरमर पत्थर से बनाई गई। सफेद संगमरमर से बने राष्ट्रीय पक्षी मोर के स्तंभ को भी स्थापित किया गया। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चरखा काते हुए गन मेटल की प्रतिमा भी स्थापित की गई। राष्ट्रपति की ओर से लोकार्पण के बाद इस संविधान पार्क को आम जन के लिए खोल दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक मकर संक्रांति के बाद आम जन इस पार्क में घूम सकेंगे। हफ्ते में 2 दिन यह पार्क लोगों के लिए खुला रहेगा। मेरे सहयोगी काशीराम चौधरी और कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।